संसना सर अजीत टिडोर रामलाल जी श्याम जी जादू और अरुण सिंह जी चतुर्वेदी जी जो मेरे साथ संसद में कई बार रह चुके हैं मित्रों, काफ़ी समय हो गया अंतिम वक्ता के सामने, यही कठिनाई होती है कि श्रोता उस वक्त तक थक जाते हैं और सुनते सुनते अब और सुनने की इच्छा भी क्षीण हो जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, विशेष करके श्याम जी जादू का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सभी वक्ताओं ने कहा है और कहना अतिशोक्ति के अलावा सूरज को दिया दिखाने लायक होगा, कोई आवश्यक नहीं। इसलिए मैं आज के विषय के दो भाग हैं, नेशनल आइडेंटिटी जो अंग्रेजी में मुझे मिला और उसकी सिक्योरिटी यानी उसकी नेशनल आइडेंटिटी राष्ट्रीय पहचान, सिक्योरिटी का क्या अनुवाद होगा ये शब्द सरल नहीं होता। सिक्योरिटी का अनुवाद क्या सुरक्षा ही है? सुरक्षा का पर्याय कहीं और रह जाता है। मैं जन सिन्हा साहब से भी अन्य मित्रों से भी यहाँ एक निवेदन करूँगा कि क्योंकि हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आवश्यकता से अधिक आधारित है, इसलिए शुरू में ही हमने राष्ट्र, नेशन, स्टेट, कंट्री में जो अंतर है मौलिक मूलतः उसका थोड़ा उल्लेख अवश्य अजीत टिडोर ने किया। बहुत थोड़े में मैं फिर कहना चाहता हूँ, नेशन स्टेट अपने आप में एक विचार है जो पाश्चात्य है, जर्मनी में उत्पन्न हुआ और वो भी अभी हाल की सदियों में। ये क्यों नेशन स्टेट का विचार उभरा? वेस्टफेलिया की ट्रीटी के साथ, क्योंकि चर्च और स्टेट का अंतर करना आवश्यक हो गया। उससे उपजा एक और शब्द, सेक्युलरिज्म। ये हमने वैसे ही स्वीकार कर लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जैसे लिखे थे वैसे हमने अपना लिए। मुझे कई बार अभी लगता है कि पहली भूल शायद वहाँ हुई। राष्ट्र इंडिया दैट इज भारत हमारा संविधान कहने लगा। मैं खास करके जनरल सिन्हा साहब से पूछना चाहूँगा, फिर हिंदुस्तान कहाँ चला गया? इंडिया दैट इज भारत तो हो गया। फौजें आज तक जब मिलती हैं तो जैन साहब जैन, तो हम किसकी जय कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान तो संविधान से शब्द हट गया। आज जनरल विक्रम सिंह साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने एक हुक्म पास किया है कि अब सब एक दूसरे को मिलेंगे, चाहे पहले उन बटालियंस के दूसरे कायदे रहे हों। सिख बटालियन होगी तो सत श्री अकाल कहेगी, जाट बटालियन होगी तो राम राम साहब कहेगी, अब सब जय हिंद कहेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, अगर जय हिंद हम कह रहे हैं तो किसकी जय मना रहे हैं? ये हिंदुस्तान कहाँ चला गया? ये गलतियाँ आने से कुछ और कमियाँ आई, क्योंकि मैं नहीं सोचता राष्ट्र अपने आप में नेशन स्टेट का पर्याय है। राष्ट्र एक बहुत बृहद विचार है, इसका एक दुष्परिणाम हुआ। हमें सीमा का बोध कभी नहीं रहा, क्योंकि सीमा का बोध नहीं रहा
मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, कभी सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज हिंदुस्तान, जो शब्द आप इस्तेमाल करें, विभाजन से पहले का कोई भी नक्शा नहीं है भारत का, दैट इज इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने सर्वे शुरू कराए, तब जाकर के नक्शे बनने शुरू हुए। इसका दुष्परिणाम 2002 तक चला है। मैं आपको मेरे अनुभव का एक उदाहरण देता हूँ। कारगिल की लड़ाई के बाद एनडीए सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी टू रिव्यू द कारगिल ऑपरेशन। उनकी जो रिपोर्ट आई उसको फिर जांच करने के लिए और भी कमेटियां बैठाई गई, जो डिफेंस फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष अंदरों में माननीय अडवाणी जी ने बोहरा साहब को बनाया, जो अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। जब बॉर्डर मैनेजमेंट की रिपोर्ट, और ये सब पार्लियामेंट में मौजूद हैं क्योंकि ये हमने सब पेश करी थी, तो हमको पता चला, बताया गया उस रिपोर्ट में कि 2002 तक, यानी स्वाधीनता के 1947 से लेकर 2002 तक भारत को बोध नहीं है कि उसके कितनी आइलैंड टेरिटरीज हैं। आइलैंड टेरिटरीज का पहला सेंसस 2002 के बाद किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप एंडमन कमांड एनडीए सरकार ने स्थापित करी। वो कंबाइंड कमांड थी, पहली बार वो हुआ। पहली बार भारत सरकार को पता चला कि कितने टापू भारत के हैं। मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ, अपने आप में ये बताता है कि भारत को, भारतीय राष्ट्र अपने आप में, क्योंकि सदैव से वह सांस्कृतिक रहा, और सांस्कृतिक रहा तो उस सांस्कृतिक भारत को कोई कब्जा नहीं कर सकता था। हमें सीमा की चिंता नहीं रही, और क्योंकि सीमा की चिंता नहीं रही, इसके दुष्परिणाम शुरू हुए 1947 में स्वाधीनता के बाद। अंग्रेजों ने जो नक्शे दिए थे, दो वाइट पेपर इशू हुए शुरू में, वाइट पेपर नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करने से पहले 1948 में। उसमें नक्शा है, पर क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, इसलिए जम्मू कश्मीर का नक्शा अनएडमिनिस्टर्ड टेरिटरी, जहाँ लद्दाख में आता है, वो करके दर्शाया गया। वही अनएडमिनिस्टर्ड टेरिटरी बताई गई नॉर्थ ईस्ट में। उस अनएडमिनिस्टर्ड टेरिटरी के कारण आज पूर्वोत्तर में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं हम झेल रहे हैं। 1947 की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम चिंता विश्व में ख्याति प्राप्त करना था। हमारी आज़ादी 1947 में आई, 1949 में चीन ने अपने रेवोल्यूशन, जैपनीज कंट्रोल इत्यादि से मुक्त होकर के समूचे चीन का राज्य बना। उन्होंने पहली कार्रवाई जो शुरू करी वो अपनी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करना। यहाँ से हमारी गलती शुरू होती है। इसका एक दुष्परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं, क्योंकि एक तो भारत अपने आप में शायद एक ही देश होगा जो इतने बड़े
सीमाओं के क्षेत्र होने के बाद भी आज तक हमारी चीन या पाकिस्तान की सीमाएं पूरी तरह से डिफाइंड सीमाएं नहीं हैं। ये किसी भी रूप में सफलता का द्योतक नहीं है और किसी भी रूप में हम इसको सुरक्षा के लिए ठीक नहीं समझ सकते। तीसरा, मैं निवेदन करूंगा, आज जिस प्रकार से हम अपनी विदेश नीति को का संचालन कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप हमारे संबंध श्रीलंका से भी खराब हो गए। IPKF का एक्सपेरिमेंट श्रीलंका में एक बहुत ही दुखद एक्सपेरिमेंट रहा है। भारत अपने आप में एक ऐसा देश रह गया है जिसकी सीमाएं आज तक डिफाइंड नहीं है। ये आज़ादी का 60 वर्ष से आगे का वर्ष चल रहा है। एक और इसके साथ में बात जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में जो गलतियाँ होंगी उनको सुधारने में पीढ़ियाँ लग जाएंगी, वो नहीं सुधरेंगी। हमारे चीन के साथ जो रिश्ते हैं या पाकिस्तान ने जो हमको खड़ा कर रखा है, वो ये दुष्परिणाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण आज भारत झेल रहा है। मैं इसका विश्लेषण और नहीं करना चाहता, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता है। मानो ये संपूर्ण नहीं था, यही पूरा नहीं था। IPKF को लेकर के जिस प्रकार से पहले LTTE को बढ़ाया गया, फिर उसी LTTE के साथ भारतीय फौज को लड़ाया गया, ये किस प्रकार से सफल नीति कही जा सकती है, मैं नहीं मानने को तैयार। वह IPKF की फौज जब लौटती है तो उसे तमिलनाडु में कोई उनका स्वागत करने तक को तैयार नहीं होता है। तो ये अपने आप में सफल नीति के परिचायक नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, जनरल साहब ने, अजीत जी ने माओवादियों के दिए दो फ्रंट, पहले चीन और पाकिस्तान के थे, हमने तीन कर दिए। इसी के साथ एक और सवाल है, ये सब क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है? मैं उसी बिरादरी का हूँ, पर अपनी बिरादरी के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज कोई दोष का भागी है तो आज का राजनीतिज्ञ है। The first blame has to be assigned to the politician of today who has brought the country to this impasse। चाहे वो आर्थिक दुर्दशा हो, आंतरिक दुर्दशा हो, सामाजिक दुर्दशा हो, अंतर्राष्ट्रीय दुर्दशा हो। देश अपने आप में नहीं इन सब दुर्दशाओं को लेकर आता है। गवर्नेंस की कमी है और जब तक गवर्नेंस की कमी रहेगी यह सब ठीक नहीं होगा। और गवर्नेंस किसके हाथ में है, वो राजनीतिज्ञों के हाथ में है। जब तक राजनीतिज्ञ नहीं सुधरेंगे, उनको देश की सुरक्षा का बोध नहीं होगा, तो देश की सुरक्षा के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, वह केवल अगले चुनाव तक अपनी सोच को सीमित रखेंगे। और यदि यही होता रहा तो देश की जो आज 60 साल बाद हम दशा देख रहे हैं, मैं आपको झूठ नहीं कह सकता कि वो दशा सुधर जाएगी, ऐसे नहीं सुधर सकती। इसीलिए जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थान जैसी संस्थाएं उनको उनके जन्म और उनके स्मरण में लगते हैं, तो केवल एक व्यक्ति का औपचारिकता से विचार करने का प्रश्न नहीं है, वास्तव में उनके जीवन को हम एक उदाहरण बना करके, उनसे सीख लेकर के, समझ करके आज जो भारत के सामने कठिनाइयां हैं, प्रश्न हैं, उनका कहीं
उस उदाहरण से हम समाधान निकालें, वही मैं सोचता हूँ आज के दिन दिवस और इस संस्थान का इस पर्व को मनाने का सही उपयोग होगा। बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे बुलाया, आपका सबका बहुत आभारी इसलिए हूँ कि बड़ी शांति से आप लोग बैठे रहे और वैसे भी अब तो दोपहर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।